नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनय पांडे। सबसे पहले होली की बहुत बहुत बधाइयां हमारे दर्शकों को। चलिए शुरू करते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस। परंपरागत ढंग से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में निकली भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा। सीएम बोले, होली बुराई पर अच्छाई की है जीत का पर्व। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने व्यापारियों के साथ खेली होली, दी बधाई। जिला प्रशासन की टीम ने घंटाघर पर स्थित पनीर बनाने वाले की एक फैक्ट्री में मारा छापा। ईवीएम के साथ वीवीपैट की सेटिंग का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। 3 मार्च तक कार्य पूरा करने का एआरओ को दिया निर्देश। लोगों पर चढ़ा होली का खुमार, अबीर गुलाल लगाकर मनाई होली। छोटी होली पर झूम के नाचे युवा व्यापारी। और लक्ष्य की आतिफ पर 9 विकेटों से, साथ ही सिद्धार्थनगर की सहजनवा पर 10 विकेटों से शानदार जीत। अब खबरें विस्तार से। होली के पूर्व संध्या पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को पांडेहाता चौराहे से भगवान नरसिंह की भव्य शोभा यात्रा निकाली। इस यात्रा से पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान नरसिंह की विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद लोगों के साथ फूलों की होली खेली। इस मौके पर महापौर सीताराम जायसवाल, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, पीके मल, जवाहर कसौदन, कालीबाड़ी के महंत रविंद्र दास सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। शोभा यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई अन्य लोगों ने समारोह को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री का मार्गार्पण कर उनका अभिनंदन भी किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से समाज में फैली बुराइयों को त्याग कर अच्छाइयों को ग्रहण करने की अपील की। वहीं भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा में शंकर पार्वती, राधे कृष्ण, ब्रह्मा विष्णु महेश, मां काली सहित अन्य देवी देवताओं की झांकियां लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रहीं। भगवान नरसिंह के शोभा यात्रा में लोग जमकर झूमते गाते नजर आए। Ah!
परंपरा को निभाने के सम्मानीय विधायक जी एवं महापौर आदरणीय सीताराम जायसवाल जी यहाँ उपस्थित है। अरुणोदय हो चुका वीर, कर्म युद्ध में लग जाओ, अपने खून पसीने से नवयुग भारत भूमि पे लाओ। बंधुओं को अरुणोदय हुआ था जब हमारे पास एक राष्ट्रवादी सरकार बनी थी केंद्र में, अरुणोदय हुआ था जब 11 मार्च को पिछले होली के बाद 19 मार्च को प्रदेश में एक आपके उत्तर प्रदेश को शीर्ष में बैठाने वाली एक सरकार आपके पास पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में बने। मैं स्वागत करता हूँ होलिका दहन उत्सव समिति और पांडे हाथा हिंदू आने
स्वागत समिति की ओर से आई है तो इस भक्त प्रहलाद की कीर्तन पूजन के साथ में एक शोभा यात्रा के इस मंच में हमारे बीच में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री हम सब लोगों के संरक्षक जिन्होंने उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी है, मैं स्वागत करना चाहता हूं अपने पूज्य महाराज जी का जिन्होंने अपने इस प्रदेश के हर दलित और उपेक्षित व्यक्तियों की आवाज बंद करके और उनकी आवाज को बुलंद करते हुए उनका उत्साह वर्धन किया, उनका सम्मान दिलाया। मैं स्वागत करना चाहता हूं अपने मुख्य संरक्षक पूज्य महाराज जी का जो हम सब लोगों को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर अहर्निश प्रयास कर रहे हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं कालीबाड़ी के महाराज जी का मंचा से जो हम आपको आशीर्वाद देते रहे। मैं स्वागत करना चाह रहा हूं इस नगर के महानगर के महापौर सम्मानी सीताराम जायसवाल जी का, मैं विभाग कारोबार श्री आत्मा सिंह जी का मंच पे, मैं श्री विपिन सिंह जी आपके क्षेत्र के लोकप्रिय आपका हार्दिक स्वागत मैं करता हूं और साथ में सभी अपने पत्रकार बंधु और उपस्थित कार्यकर्ता बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं कि आपने उत्साह आपने सम्मति से भाग के कार्यक्रम की शुरुआत की है। महाराज जी हम लोगों को आशीर्वचन देंगे, उसके पहले अपने माननीय विधायक का हमारा उद्बोधन मिलेगा। सिंह की शोभा यात्रा के इस कार्यक्रम के अवसर पर इस कार्यक्रम के संरक्षक उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री गोरख पीठाधीश्वर पूज्य महाराज जी, महापौर मनीष सीताराम जायसवाल जी, हिंदू आवाहनी के प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पी के मल जी, कालीबाड़ी के महंत रविंद्रदास जी महाराज, आयोजन समिति के सभी सम्मानित सदस्यगण, यहाँ पर उपस्थित सभी नौजवान साथियों, हमारे पत्रकार बंधु, प्रशासन के सभी कर्मचारी एवं अधिकारीगण, साथियों, जैसा कि 11 महीने हो गए पूज्य महाराज जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए और हर कार्यक्रम में संशय की स्थिति बनी रही, चूंकि पूज्य महाराज जी ने बंटांगिया में इससे पहले हमेशा दिवाली मनाई और जब मुख्यमंत्री हो जाए गए तो हम लोगों को लगा कि अब की हो सकता है पूज्य महाराज जी को समय न मिल पावे, लेकिन अच्छे हमारे प्रभु हैं, इन्होंने अपनी दिवाली वही बन ग्राम में मनाया और उनको तोहफा दिया, उनको राजस्व काम देने का काम किया हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, वो भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ गए। साथियों, इसी तरह से हमको लगता है 11 महीने से ऊपर चल रहा है होलिका दहन उत्सव में हम लोग बहुत सोचते थे कि पूज्य महाराज जी शायद इस कार्यक्रम में न पावे, इधर तो हम पूज्य महाराज जी के चरणों में नमन करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं महाराज जी कि आज आपने गोरखपुर के लिए इस समय भी समय दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य महाराज जी और आप सभी नौजवान साथियों के प्रति धन्यवाद देते हुए होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपनी बारी को विराम देता हूँ। जय हिंद, होली एक राष्ट्रीय त्यौहार है, ये प्रकृति से जुड़ा हुआ त्यौहार है, ये बसंत उत्सव के रूप में भी पूरा हिंदू समाज पूरे देश में बल्कि विदेशों में भी इसे मनाता है। उसी परंपरा को निर्वहन करते हुए पांडे आता समिति बहुत दिनों से इस कार्यक्रम को निर्विघ्न रूप से संपादित करती आई है। मैं अपने तरफ से नगर वासी अपने तरफ से आयोजन समिति को हिंदू युवा वाहिनी को बहुत बहुत बधाई, शहर वासियों को अपने तरफ से शहर के नागरिकों के तरफ से देता हूँ जय हिंद जय भारत।
अरे धूम मचाने आजे राधा तेरे बरसाने में, मैं तो धूम मचाने आ गए राधा तेरे बरसाने में, अरे राधा तेरे बरसाने में, मैं तो धूम मचाने आ गए जोगी जी तेरे गोरखपुर में, मैं तो धूम मचाने आ गए जोगी जी गोरखपुर में, बाजे ढोलक बाजे मजीरा बाजे बाजे मिलदंग बाजे मिलदंग गोरखपुर मंदिर में, मैं तो धूम मचाने आ गए लोगी तेरे मरने में, आज बिरज में होली रे लसिया, आज बिरज में होली रे लसिया, अरे होली रे बर गोरी रे लसिया, होली रे अरे कहां माथे आवे हमारे मुख्यमंत्री जी, कहां माथे आवे हमारे मुख्यमंत्री जी, अरे कहां माथे आवे जनता रे रसिया, कार्यक्रम मैं उपस्थित कालीबाड़ी के श्री महंत रविंद्रदास जी महाराज, गोरखपुर के महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, विधायक ग्रामीण श्री विपिन सिंह जी, हिंदिया बानी के प्रदेश महामंत्री श्री पी के अमल जी, होलिका दहन उत्सव समिति के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश कटवा जी, थोक वस्त्र वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री राजेश नेमानी जी, ये पदाधिकारी उपस्थित भाइयों बहनों, प्रतिवर्ष बड़ी धूमधाम के साथ आप लोग यहाँ पर होलिका दहन उत्सव समिति के शोभा यात्रा को निकालते हैं। होली सनातन हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है, सामाजिक समता और सौहार्द का पर्व है। सामाजिक समता और सौहार्द वही स्थापित होता है जहाँ पर हम लोग बुराई से संगठित होकर के लड़ते हैं। आखिर आज समाज की बुराई क्या है? समाज की बुराई भ्रष्टाचार है, गंदगी है, गरीबी है, किसी भी प्रकार की अराजकता है, जातिवाद है, परिवारवाद है, ये सब सामाजिक बुराइयां हैं। इन सामाजिक बुराइयों से लड़ने की शक्ति ईश्वर हम सबको प्रदान करे, इस विश्वास के साथ हम लोग अपने पर्व और त्योहार को मनाते हैं। आप देखते होंगे कि सनातन हिंदू धर्म के जितने भी पर्व और त्योहार आते हैं वे हम सब के लिए एक संकल्प के पर्व होते हैं। जैसे आपने देखा है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को संकल्प से सिद्धि का एक मंत्र दिया। भारत को अगर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरना है तो हम सबको आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प से सिद्धि के इस मंत्र को अंगीकार करना होगा। कौन सा संकल्प? एक ऐसा संकल्प जो हम सबको हर प्रकार की बुराई को समाप्त करने के लिए प्रेरित कर सके, एक ऐसा संकल्प जो हमें गंदगी से मुक्ति दिला सके, और ये कार्य केवल नगर निगम का नहीं बल्कि हम सब का होना चाहिए। हम अपने घर को, अपने मोहल्ले को, अपने आसपास की वातावरण को साफ और सुंदर रखें,
एक ऐसा संकल्प जो हमें गरीबी से मुक्त रख सके। शासन की कल्याणकारी योजना पात्र लोगों को, गरीबों को मिले, इस पर जोर हो। अगर कहीं भ्रष्टाचार है तो उसके खिलाफ मुखर होकर के, संगठित होकर के आवाज उठाने की आवश्यकता है। कहीं पर अपराध है, अराजकता है, जातिवाद है, परिवारवाद के आधार पर समाज के वंचितों को, गरीबों को, दलितों को उनके हकों से वंचित किया जा रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाना। और उस आवाज उठाने के क्रम में आज आप सबका आह्वान करने के लिए हम लोग आए हैं कि होली का पर्व उसी संकल्प का पर्व है जो हम सबको अन्याय, अत्याचार, असत्य के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा प्रदान करते हुए एक संगठित ताकत के रूप में जब हम लोग कार्य करेंगे तो एक समता मूलक और सौहार्दपूर्ण समाज के निर्माण में हम सब अपनी पूरी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। आप सब जानते हैं कि भक्त प्रहलाद की रक्षा कैसे भगवान विष्णु के अवतार भगवान नरसिंह ने की थी, क्योंकि प्रहलाद का पक्ष सत्य का था, धर्म का था, न्याय का था, सदाचार का था, पुण्य का था। लेकिन वहीं उनके पिता हिरण्यकश्यप का जो पक्ष था वो अत्याचार का था, अन्याय का था, पाप का था, अराजकता का था, अधर्म का था। और व्यक्ति कितना भी महत्वपूर्ण और कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर वह अधर्मी है, अन्यायी है, अत्याचारी है, पापाचारी है, भ्रष्टाचारी है, तो फिर कोई भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता। अंततः उसको भ्रष्ट होना ही है, उसको समाप्त होना ही है। ये पर्व हम सबको यही प्रेरणा प्रदान कर रहा है। आज बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से इस होलिका दहन उत्सव समिति के शोभा यात्रा को आप लोग यहाँ पर संपन्न करें। कल प्रातः नरसिंह भगवान की शोभा यात्रा होलिका उत्सव समिति के द्वारा घंटा घर से प्रारंभ होगी, उस यात्रा में भी सहभागी बने। लेकिन याद रखना, हमारे उत्साह के हैं, हर्षोल्लास के हैं, लेकिन जोश में होश भी आवश्यक है। कोई भी ऐसा कार्य न करें जो मर्यादा के विरुद्ध हो, जिससे मर्यादा भंग होती हो, पर्व की पवित्रता पर प्रभाव पड़ता हो, ऐसा कोई भी कार्य न हो। संकल्प हम सबको इस अवसर पर लेना चाहिए। मैं विशेष रूप से होलिका दहन उत्सव समिति को बधाई दूंगा। विगत कई दशकों से यहाँ पर शिव प्रकाश पटवा, आशीष गुप्ता और यहाँ उनके नेतृत्व में ये लोग इस शोभा यात्रा को बड़े धूमधाम के साथ यहाँ पर लेकर के चलते हैं। मैं इस अवसर पर आप सबको अपनी बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। चूंकि 7 बजे से होली के दहन के कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएंगे, इसलिए अब ये शोभा यात्रा प्रारंभ हो, इस विश्वास के साथ आप सबको मैं होली की हार्दिक बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। और ईश्वर से एक प्रार्थना करता हूँ कि होली की यह खुशहाली आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में, आपके सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में इसी प्रकार से बनी रहे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। Yeah.
श्रद्धालुओं से निवेदन है कि रथ यात्रा मार्ग को आने के लिए रास्ता देंगे, तभी लोग रथ यात्रा आगे आ सकेगी। आप लोग धीरे धीरे रास्ता खाली करेंगे। समस्त श्रद्धालुओं से निवेदन है कि रथ यात्रा आगे बढ़नी है, आप लोग आगे आगे रास्ता देंगे। और स्थानीय शासन से भी मेरे सहयोग से उम्मीद है, रथ के आगे कोई भी नहीं जा पाएगा, सिर्फ रथ रहेगा और शासन प्रशासन के लोग रहेंगे। आप श्रद्धालु सुविधा है कि जगह देंगे। आगे बढ़िए, आप लोग आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे आप लोग। अब फूलों की होली होगी, उसके बाद यह यात्रा अपने गंतव्य स्थान बोले दर्शन भगवान के। जय शिवा। आयोजन समिति से मेरा निवेदन है कि रथ यात्रा को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। आप लोग जितने लोग यहाँ खड़े हैं आगे बढ़िए, शटर के पास जो लोग खड़े हैं, रथ के पास जो लोग खड़े हैं, जो सब इंस्पेक्टर रस्सी पकड़ के खड़े हैं वो लोग रथ को यू शेप में घेरेंगे और भीड़ को आगे बढ़ाइए, बढ़ाइए वहां से जो लोग खड़े हैं आगे बढ़िए। घंटाघर की तरफ बढ़िए, कृपया यहां जगह बनाइए, आप लोग से अनुरोध है घंटाघर की तरफ बढ़िए। जो हमारे बंधु यहाँ आए हुए हैं सबसे अनुरोध है घंटा घर की तरफ बढ़िए, यहाँ जगह खाली कीजिए। जुलूस प्रारंभ हो रहा है, आप लोग आगे बढ़िए, कृपया आगे बढ़िए, भैया आप लोग आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, लोग आगे बढ़िए, जो यहाँ पे लोग खड़े हैं को एक सीख भी दी है। वेलफेयर सोसाइटी द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन गुरुवार को कालीबाड़ी परिसर में किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिवप्रताप शुक्ला, गोरखपुर से ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, कालीबाड़ी के महंत रविंद्र नाथ दास, भाजपा के चुनाव प्रभारी अनूप गुप्ता, भाजपा के रमेश सिंह, सोसाइटी के अध्यक्ष राजेश निभानी, सचिव संजय श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष चंद्रकेश निगम, महामंत्री सुरेश सहित कई अन्य मौजूद रहे। समारोह के दौरान उपस्थित लोगों ने एक दूसरे के साथ रंग गुलाल खेलकर होली की बधाइयां दी। इस अवसर पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने कहा, आज के कार्यक्रम मुख्य अतिथि भारत सरकार के वस्त्र व्यवसाय वेलफेयर सोसाइटी के राजेश गुप्ता जी, सुरेंद्र कमेटी के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रमेश सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महानगर अध्यक्ष अनिल बजाज जी,
सत्तर मोहल्ले से इस मंदिर से कैबिनेट के मंत्री ने भारत सरकार के आदरणीय वित्त राज्य मंत्री भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री श्री अनूप गुप्त जी, गोरखपुर ग्रामीण क्षेत्र के विधायक श्रीमान बिपिन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी ही इनको कहिए महंत जरूर है इस मठ के बाबा रविंद्र जी महाराज। मैं जनप्रतिनिधि जरूर रहा करता था लेकिन इस क्षेत्र में लोगों के घर का रहा करता था, किसी के दुकान पर बैठ जाना, किसी के घर में जाकर के बैठ जाना, लोगों को यह लगता था कि कोई जनप्रतिनिधि आया है और न मुझे ये लगता था कि मैं इनके घर का नहीं हूं। इस वातावरण में हम सभी लोगों ने अपने राजनीतिक जीवन को बिताया है, यहीं से नामांकन भरने के लिए मैं जाता था। हमारे पूर्व में महानगर के अध्यक्ष अनिल जी रहा करते थे, उनके नेतृत्व में हम लोग काम किया करते थे। विधायक निधि जब शुरू हुई तो हम तो ये भी नहीं जाने कि विधायक निधि होती क्या है। हमारे विधायक निधि का काम अध्यक्ष स्वरूप को अनिल जी रहा करते थे और ये किसी अपने महामंत्री को ले लेते थे और उसके साथ पूरे विधायक निधि तय कर डालते थे, जहां जो हमको उससे हमारा काम केवल दस्तखत करना रहता था। आज सांसद निधि आ रही है तो भी अभी तक मैं ये नहीं जान पाया हूं कि सांसद निधि आई कितनी है। एक बार क्योंकि पहली बार जब आई तो उत्तर प्रदेश के सभी जो हमारे विधायक थे उन विधायकों को मैंने दे दिया। चुनाव में उनको जाना था, अनुप जी वहां बैठे थे, विधायकों ने कहा कि राज्यसभा के लोग जाते हैं, हम लोगों को कभी कुछ नहीं मिल पाती है। तो हमने कहा कि देखो हम जब आएंगे तो तुम्हारा ही सब रहेगा। और पहली किस्त जो ही आई मैंने प्रत्येक विधायकों के नाम के साथ उनके क्षेत्र में भेज दिया। हालांकि बाद में उनसे फोन पर बहुत वार्ता करनी पड़ी, कह रहे यार कालपूर्ति तो भेज दो, दूसरी किस्त नहीं है कि मेरी। बड़ी मुश्किल से आई और फिर अब जाकर के जहां जहां जाना था वहां गया। राजनीति में जो लोग जनप्रतिनिधि हो जाते हैं उनको यह नहीं समझना चाहिए कि मैं जनप्रतिनिधि, नेता बने, जनप्रतिनिधि रहे लेकिन एमएलए न बने, एमपी न बने। एमएलए और एमपी का भाव लेकर के जब चलेगा तो लोगों के बीच नहीं रह पाएगा। जनप्रतिनिधि और घर का व्यक्ति लेकर चलेगा तो होगा। और मैं महसूस करता हूं कि आज आपका जो ग्रामीण विधायक है जिस तरह से लोगों के बीच में अपनी लोकप्रियता को लिए है, मैं इसको बड़ा होने के नाते आशीर्वाद भी देता हूं कि यह गति इनकी बनी रहे, इनकी यह गति बनी रहेगी तो आगे नेतृत्व भले ये करेंगे सबका मेरी ज्योति जी अभी थे हमारे, जब हम मंत्री हुए तो हमारे प्रतिनिधि के तौर पर थे। आगे ज्योति जी आगे तो ऐसे आपके लोग रहे हैं और आज भी जिनको भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। इसी कार्यालय पर रहा करता था, यही महामंत्री के नाते रहा करता था, यहाँ के बाद जो है काम करने के लिए आज बेनीगंज कार्यालय पर वो क्षेत्रीय अध्यक्ष के नाते रहते थे, जिला अध्यक्ष के नाते रहते थे, न गोरखपुर में उस
मैं विधायक किसी भी विधानसभा के किसी गांव से कोई अपरिचित है, उपेंद्र दत्त शुक्ल के नाम को सबसे तरजीह दिया। मुझे वह क्षण भी याद है जब का प्रदेश कार्य समिति की बैठक थी लखनऊ में और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब गोरखपुर क्षेत्र के परिचय की स्थिति आई तो उन्होंने कहा कि उपेंद्र जी हैं, ये गोरखपुर क्षेत्र के अध्यक्ष हैं और ये कहते हैं कि मैं जब भी अध्यक्ष होता हूं तो सीटें बढ़ती हैं, चुनाव जीतते हैं। तो यह अमित शाह जी ने उस समय कहा था और आज संगठन ने तय किया इतनी महत्वपूर्ण सीट को योगी आदित्यनाथ जी के खाली ये स्थान को है भरने के लिए कोई ऐसे व्यक्ति को भेजा जाए जो एक कार्यकर्ता के नाते हो। तो उपेंद्र दत्त शुक्ल का नाम आया जो आप सभी लोगों से परिचित है, हर तरह से कार्यकर्ताओं का प्रिय। लाठी भी सहा है, जेल भी गया है, भूखे भी रहा है, लेकिन रहा है तो केवल और केवल आपसे और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके रहा है। होली पर्व पर मिलावट खोरों पर लगाम कसते हुए जिला प्रशासन और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने घंटाघर स्थित एक पनीर बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारकर पनीर की सैंपलिंग लेते हुए उसे जांच के लिए भेज दिया है। गुरुवार को अपर नगर मजिस्ट्रेट अमरेंद्र कुमार वर्मा और खाद्य सुरक्षा विभाग के अभिहित अधिकारी अजीत कुमार के नेतृत्व में टीम घंटाघर के शेखपुर स्थित चौरसिया पनीर केंद्र पहुंची, जहां पैकेट के दूध से बने पनीर रखे थे। अधिकारियों ने तुरंत काम रुकवा दिया और दूध और पनीर की सैंपलिंग ली और उसे जांच के लिए भेज दिया। गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए अपर नगर मजिस्ट्रेट अमरेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि शासन के निर्देश पर छापेमारी की गई है, प्रथम दृष्टया अभी कोई मामला सामने नहीं आया है, फिलहाल दूध और पनीर का सैंपलिंग लेकर जाँच के लिए भेज दिया गया है, अगर कोई शिकायत मिलती है तो विधिक कार्रवाई की जाएगी। गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए दुकान के प्रोपराइटर दिनेश चौरसिया ने बताया। आइए सर। चलो छोटा है हाथ जलने का डर है ना, लगा लाइसेंस बना है हमें, पता होता होगा ही, वहाँ है एक बड़ा लाइसेंस दुकान का, उससे एड्रेस हो गई है।
क्या मामला है? पनीर मिजाज के नमूना होंगे विभिन्न जगहों पे दूध पनीर एवं खोए की बिक्री जो की जा रही है उसके खाते एवं सुरक्षा विभाग के टीम के साथ हम लोग छापेमारी करके उसकी शुद्धता और गुणवत्ता की जांच कर रहे हैं। उसी अनुक्रम में हम लोग यहाँ पे चौरसिया पनीर केंद्र पे आए हुए थे जहाँ पे ढेर सारे पैकेट के भी दूध मंगाए जा रहे हैं जो अभी बाई डेट है और पनीर बनाया जाता है। बाकी दूधिया भी दूध लाते हैं उसकी भी सैंपलिंग की गई है और इस सैंपल को हम लोग जांच के लिए भेजेंगे। यदि इसकी गुणवत्ता में कोई कमी पाई जाती है विभाग के तरफ से संबंधित के विरुद्ध जो है कार्रवाई। प्रथम दृष्टया क्या नजर आता है? प्रथम दृष्टया जो है उस तरह की कोई चीज़ नहीं पाई गई है क्योंकि जो डेट एक्सपायरी वाली शिकायतें आती हैं ऐसी कोई चीज़ नहीं पाई गई है। और ये जो पनीर बना रहे हैं देखने पे ऐसा प्रथम दृष्टया नहीं लगा लेकिन लैब टेस्ट होने के बाद उसमें क्या कम्बिनेशन है परसेंटेज क्या है सारी चीज़ें जो है सामने आई। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते। जैसे घर आई नन्ही खुशी के लिए दादा दादी का दुलार, दिवाली पर मिठाई के डब्बे में छुपा मम्मी के लिए पापा का प्यार, वो दिल से पूछा गया एक सवाल और उसके जवाब की तैयारी में शुभ आरंभ का आशीर्वाद। ऐश प्रा 76 सालों से परंपरा विश्वास की। ब्रेक के बाद आपका इस बुलेटिन में फिर से स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 11 मार्च को होने वाले उपचुनाव में इस बार ईवीएम के साथ साथ वीवीपैट का भी इस्तेमाल किया जाएगा जिसके लिए मतदान कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। गुरुवार को जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव रौतेला ने गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग में पहुंचकर ईवीएम के साथ किए जा रहे वीवीपैट की सेटिंग का निरीक्षण किया और सभी एआरओ को निर्देश दिया कि 3 मार्च तक यह कार्य पूरा कर लिया जाए। निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी अनु सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन प्रभुनाथ सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। शुक्रवार को पूरे देश में होली का त्यौहार मनाया जाएगा जिसको लेकर अब होली त्यौहार का जादू लोगों के सर पर चढ़कर बोल रहा है। लोग रंग अबीर लगाकर सराबोर होकर होली का लुत्फ़ उठा रहे हैं। गुरुवार को जहां विभिन्न संगठनों ने रंग अबीर लगाकर होली का लुत्फ़ उठाया वहीं बक्सीपुर में कुछ महिलाओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली खेली और जमकर लुत्फ़ उठाया। गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए साइना ने कहा, लालडिग्गी चौक स्वागत द्वार के अध्यक्ष अविनाश गुप्ता के नेतृत्व में होली की पूर्व संध्या पर छोटी होली का आयोजन हर साल की तरह इस साल भी लालडिग्गी चौक पर किया गया। इस मौके पर सभी दुकानदार बंधु लालडिग्गी चौक पर इकट्ठा होकर एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर बधाइयां दी। इस मौके पर समिति के महामंत्री मनीष साहू,
अजय केसरवानी, संतोष शर्मा, प्रेमजी गुप्ता, सोनू मदनवाल सहित अन्य युवा व्यापारी मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए समिति के अध्यक्ष अविनाश गुप्ता ने बताया, जो निकले न घर से सास घर पर से ससुर घर पर से भाईचारा का त्यौहार है, सब लोग खुशी से सौहार्द से इसे खुलकर मनाएं और एक दूसरे का सम्मान करते हुए मनाएं। इसी के साथ मैं अपने लाडली की स्वागत और की ओर से सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत एवं वंदन करता हूँ और होली की हार्दिक बधाई देता हूँ। और पूज्य महाराज जी के कल कार्यक्रम में उनका स्वागत है, यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित करेंगे और उस दौरान गुरुवार को रेलवे क्रिकेट ग्राउंड पर चल रहे अंडर 12 आतिफ कप के एक मैच में आतिफ क्रिकेट एकेडमी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 29 ओवरों में 95 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। लक्ष्य की तरफ से रोहित थापा और नीरज ने 3-3 विकेट लिए। 96 रन का पीछा करने उतरी लक्ष्य स्पोर्ट्स एकेडमी ने 22वें ओवर में ही एक विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर 9 विकेटों से मैच को अपनी झोली में डाल लिया। इसी प्रतियोगिता का एक अन्य मैच सेंट एंड्रयूज क्रिकेट ग्राउंड पर सिद्धार्थनगर और सहजनवा की टीमों के बीच खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए सहजनवा की पूरी टीम 60 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। सिद्धार्थनगर की तरफ से हर्ष ने 6 ओवरों में 5 मेडन और 3 रन देकर 2 विकेट लिए। 61 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए उतरी सिद्धार्थनगर ने इस मैच को बिना विकेट गंवाए ही 10 विकेटों से ये मैच जीत लिया। जाना था यार, कैसे जाना था।
जल्दी जल्दी नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। परंपरागत ढंग से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में निकली भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा। सीएम बोले, होली बुराई पर अच्छाई की है जीत का पर्व। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने व्यापारियों के साथ खेली होली, दी बधाई। जिला प्रशासन की टीम ने घंटाघर पर स्थित पनीर बनाने वाले की एक फैक्ट्री में मारा छापा। ईवीएम के साथ वीवीपैट की सेटिंग का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। 3 मार्च तक कार्य पूरा करने का एआरओ को दिया निर्देश। लोगों पर चढ़ा होली का खुमार, अबीर गुलाल लगाकर मनाई होली। छोटी होली पर झूम के नाचे युवा व्यापारी। और लक्ष्य की आतिफ पर 9 विकेटों से, साथ ही सिद्धार्थनगर की सहजनवा पर 10 विकेटों से शानदार जीत। इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और देखते रहिए गोरखपुर न्यूज़, न्यूज़ बिफोर हेडलाइंस। नमस्कार।